जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। आज हम आने वाले आईपीओ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आईपीओ का मार्केट फिर से गर्म होने वाला है, तो कीप सब्सक्राइब ऑप्शन गेनर, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। तो जो पहला आईपीओ हिट करने वाला है वो है श्याम मेटालिक्स। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 14 से 16 तारीख को, और सेम डेट पे आपको सोना BLW भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो श्याम मेटालिक्स का जो ऑफर प्राइस है वो 303 से 306 का है। 45 शेयर आपको मिलेंगे, मिनिमम आपको 13,770 रुपये एक लॉट अप्लाई करने पे लगेगा। वहीं सोना BLW जो है 285 to 291 का प्राइस बैंड रखा गया है। सेम डेट पे ये इश्यूज ओपन होंगे। इसमें 51 शेयर्स का एक लॉट है मिनिमम, जिसमें आपको अप्लाई करने पे मिनिमम आपको 14,841 रुपये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों की लिस्टिंग NSE और BSE पे हो रही है। इसके बाद 16 से 18 तारीख को दो और आईपीओज की ओपनिंग होगी। एक है दुधला डायरी, जिसका प्राइस ब्रांड रखा गया है 421-2428। इसमें आपको 35 शेयर मिनिमम एक लॉट है, जिसमें आपको पड़ जाएगा 14,980 अगर आप एक लॉट पे जाते हो तो। और एक किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, जिसमें इसका प्राइस ब्रांड जो है 815 से 825 रखा गया है, और इसमें 18 शेयर का एक लॉट है। तो लगभग आपको 14,850 रुपये जो है लग जाएगा एक लॉट अप्लाई करने के लिए। ये चारों की लिस्टिंग जो है, ये नन एसएमई जो आईपीओ है, ये चारों की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी पे होने वाली है। तो शॉर्टकट पे लिस्टिंग गेन वाले जो लोग वीडियोस देखते हैं उनके लिए बात करते हैं कि कौन सा आईपीओ बेस्ट रहेगा और किस पे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की पॉसिबिलिटीज है। तो श्याम मेटेलिक्स जो है वो आपका मेटेलिक फील्ड में है, एंड इस पे जो है अभी जो प्रीमियम्स चल रहे हैं और जो भी रिस्पांस आ रहा है उसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि 39% लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटीज है। वहीं सोना BLW प्रिसाइज फोर्जिंग्स की बात करें तो उसमें 32% का लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है, बट एक्सपेंसिव है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो ये एक्सपेंसिव है एंड रिस्की लग रहा है। वहीं श्याम मेटालिक जो है वो मतलब वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है एज कम्पेयर टू पीयर्स, ठीक है। यानी अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है श्याम मेटालिक्स में, अगर ये आपको मिलता है तो। सोना BLW जो है, इसमें अगर मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। डूडला डायरी जो है वो लॉन्ग टर्म बेट के लिए ठीक है, 34% तक का गेन जो है मतलब लिस्टिंग या लिस्टिंग के बाद तक में मिलने का चांसेस इसमें है। वही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड 35% का गेन इस पे भी देखा जा रहा है लॉन्ग टर्म बेट वाइज, ठीक है। तो अगर आपको जस्ट लिस्टिंग गेन पे फोकस करना है तो चारों आईपीओ में सबसे बेस्ट आपका श्याम मेटेलिक्स है। इस पे आपको लिस्टिंग गेन जो है अप्रोक्स 39% मिलने का, अभी जो GMP वगैरह चल रहे हो, जो ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रह सकते हैं, टाइम टू टाइम में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड अभी जो मार्केट का रिस्पॉन्स है, अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो सेक्टर वाइज श्याम मेटेलिक्स मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, और अभी मेटल सेक्टर बूम में है। एक साइकिल जो है मेटल साइक्लिक बिजनेस है, बट वो साइकिल अभी पॉजिटिव टर्न अराउंड में चल रही है, काफी हाईली पॉजिटिव है। तो श्याम मेटेलिक उस हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। एंड सेकेंड जो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो है वो चूंकि फार्मा एंड हॉस्पिटलिटी बिजनेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अभी मतलब ये एग्रेसिव हो रहा है कोविड की वजह से, तो उस हिसाब से ये भी एक लग रहा है। बट इस पे हाई वैल्यूएशंस है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्णा किम्स जो है वो थोड़ा सा रिस्की लगता है। सोना BLW जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सिलरेटर बनाती है, तो वो जो है हालांकि ईवी मार्केट में इसका प्रेजेंस है, तो जो अभी ईवी मार्केट की जो चीजें हो रही है उसके वजह से सोना BLW जो है उसको एक मतलब चांसेस है, तो इसीलिए ये रिस्की है। एंड हर किसी को पता है जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, तो इसलिए जो है अगर ईवी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोना BLW वहां पे एक मतलब रिस्की बेट हमें नजर आता है। एंड रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि प्रोटीन वगैरह के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, तो वहां पे वो डुडला डायरीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये था। तो भाई अगर सिर्फ आपका ध्यान लिस्टिंग गेन पे है तो मैं तो बोलूंगा कि श्याम मेटेलिक्स पे जाओ, बट आपको मेरे बोलने पे नहीं जाना है, डिस्क्लेमर यहीं पे आएगा। डायरेक्ट जो है मतलब कोई डायरेक्ट ट्रेड एडवाइस नहीं रहेगा, आप अपने समझ बूझ के अनुसार करना। तो थोड़ा आप डिटेल हल्का डिटेल्स में चर्चा करते हैं। श्याम मेटेलिक्स जो है इनका जो प्राइस बैंड है वो 303-306 का है।
एंड जो वैल्यूएशन दिए गए वो काफी रिजनेबल है एज कम्पेयर टू पीयर। एंड जो मेटल के केसेस में इंक्रीज हो रहा है अभी, जो मेटल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, उससे इसको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। एंड इसको QIB और HNI का 3 से 5 टाइम जो है सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो अराउंड जो है ये 425 से 450 रुपए के आसपास में ये कंपनी जैसा लग रहा है लिस्ट होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया बेट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तुरंत, तो ये एक बढ़िया बेट हो सकता है लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, सोना BLW, अगर प्रिसाइज की बात करें सोना BLW की, तो ये जो है ये 300 से 325 के आसपास में लिस्ट हो सकती है। तो अगर मार्केट कंडीशन खराब रहता है, चूंकि आप जानते हो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जो है अराउंड इसमें, लेकिन एक चीज है कि 10% का ही रिटेल पोर्शन है, तो वो एक चीज जो है इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा रहा तो फिर प्राइसेस हाइक हो सकते हैं इस IPO पे। तो इसीलिए ये जो है रिस्की है, बट इनका जो EV पे परजेंस है वो इसको एक मतलब एक वर्थ टेकिंग रिस्की IPO बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर दुधला डायरी की बात करें, तो ये साउथ में बहुत अच्छे से प्रेजेंट है ये कंपनी, एंड इसके काफी अच्छे से डेयरी फॉर्म्स वगैरह चलते हैं। बट ये जो IPO है वो 4 से 5 टाइम सब्सक्राइब हो सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब माना जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है। एंड अराउंड अराउंड जो है, जो ये जो है 500 से 525 के बीच में ये लिस्ट होना चाहिए, ऐसा भी जो भी रिस्पॉन्स वगैरह आ रहा है उसको देख के लग रहा है। ठीक है, बट आपको वो GMP प्राइस एंड कैसे एंकर इन्वेस्टर आते हैं वो भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। बट ऑन द फ्लिप साइड, कंपनीज का ये जो कंपनी है वो थोड़ा सा जो है इनका जो बिजनेस है इस पे थोड़े से कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो इस दुधला डायरी पे, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वहीं कृष्णा मेडिकल, सॉरी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्कीम्स IPO की बात करें, तो ये जो है अराउंड अराउंड इसकी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है ये काफी अच्छा हेल्थ केयर में ये कंपनी काफी अच्छा बिजनेस अपना बनाई हुई है। तो इसका भी जो QIB और HNI एंड रिटेल पोर्शन से एक अच्छा एक रिस्पांस आने का उम्मीद है, एज पर जो अभी हेल्थ केयर सेक्टर जो है अभी मतलब अच्छा कोविड की वजह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस वजह से। तो जो है अराउंड, अब इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह कुछ पता नहीं चल रहा है अभी, इसमें ज्यादा मतलब वॉल्यूम भी नहीं आ रहे ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट में जो डील्स होती है, इसलिए कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट रहेगा किम्स पे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये था IPOs के बारे में। तो मोस्ट प्रिफरेबल जो है, जो देख के लग रहा है, श्याम मेटेलिक्स को लोग प्रिफर करेंगे, देन दुधला डायरी रहेगा, फिर सोना BLW एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल किम्स जो है वो। तो रेटिंग्स में 1 श्याम मेटेलिक्स, 2 दुधला, 3 सोना BLW, 4th कृष्णा। कृष्णा के बारे में चूंकि कोई अपडेट नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ अभी कहना मतलब आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। तो ये था IPO के, जो कौन सा IPO बेस्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए, फिर से IPO का सीजन गर्म हो रहा है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा का IPO आने वाला है, जोमेटो का IPO आने वाला है, अदानी विलमार का IPO आने वाला है। तो आप अपने पैसे, तो जो है ना पैसे आप बना के रखो, बचा के रखो, सेविंग करके रखो, अच्छे अच्छे IPOs और आने वाले हैं। एंड हाँ, डोंट सब्सक्राइब IPO ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम, बिफोर इन्वेस्टिंग चेक द फंडामेंटल्स ऑफ IPO। ठीक है, पास्ट में भी हमने देखा है अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसे इजी माई ट्रिप का था, अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम था, बट डिस्काउंटेड लिस्टिंग हुई थी, सॉरी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्टिंग हुई थी, एंड काफी सरप्राइज किया था। एंड अदर भी बहुत सारे IPOs थे जिनके डिस्काउंटेड लिस्टिंग हुई थी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा होने के बाद। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है स्लाइटली जैसे जैसे लिस्टिंग पे आता है तो थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है, अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग रहती है तो वो बढ़ता जाता है, तो उस पर भी आपको नजर रखना है। दूसरा, कौन सा एंकर इन्वेस्टर आ रहा है उस पर भी आपको नजर रखना है, बढ़िया एंकर इन्वेस्टर आएगा तो चांसेस है कि बढ़िया लिस्टिंग होगी। ठीक है, फिर आप लास्ट डे पे अप्लाई कर सकते हो IPO को,
जो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट डे पे आप अप्लाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो कीप सब्सक्राइब ऑप्शन कह रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।